मैं सरदार उसामा सेल मैनेजर अबू दस्तर डीएचए कराची। कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फादर के साथ मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, तो मैंने अब सोचा है कि आखिरी रमज़ान का अशरा रह गया है, तो दो चार दिन के लिए मैं कराची में हूँ, फिर कहीं और जाना होगा मैंने, तो थोड़ी वीडियोज़ बना दूँ आपके लिए ताकि आप अपडेट हो जाएँ। और एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉल करें टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। कराची वाले हैं, रमज़ान चल रहा है, पूरी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं, और आप लोग फ़ोन ही सुबह 7-8 बजे करते हैं, खासकर इस्लामाबाद वाले लोग, तो ध्यान रखें। ओवरसीज़ से शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं होगा शायद टाइम क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो आज की वीडियो में आपको डीएचए सिटी कराची के हवाले से अपडेट करूँगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछले दिनों में कुछ हर सेक्टर के हवाले से आप लोगों को अपडेट दी थी, तो एक बार फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सेक्टर वाइज आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि इस सेक्टर की क्या खासियत है, क्या रेट है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में इसको कैसा देखा जा रहा है। तो नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन में जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो भर वक्त तक तो पहुँचे। आज की डेट में मैं डिस्कस करूँगा आपसे, पहले मैंने सेक्टर 2 से स्टार्ट किया था, आज स्टार्ट देता हूँ सेक्टर 16 से। सेक्टर 16 की बात की जाए अगर, तो सेक्टर 16 जो है 16 ABCD जो है ये डीएचए सिटी का सबसे आखिरी सेक्टर है, और 16C 16D। अच्छा, इस सेक्टर में प्लॉट बहुत कम आते हैं मार्केट में क्योंकि कोई इतना बड़ा सेक्टर भी नहीं है। और देखिए, कुछ जैसे डीएचए कराची में जो बंदा रहता हो ना, वो फेज़ 8 को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा रेट्स भी ज़्यादा हैं फेज़ 8। उसकी वजह ये कि फेज़ 8 में आपको 2000 गज़ का प्लॉट ही मिलता है, 4000 गज़ का प्लॉट भी मिलता है, बड़े प्लॉट मिलते हैं। तो यही खासियत है सेक्टर 16 की। इस वक्त आप अगर मुझे कहते हो सामने मुझे 2000 गज़ का प्लॉट चाहिए, तो मैं आपको पहली रिकमेंडेशन मेरी होगी कि सेक्टर 16 में आप ले लें। उसकी वजह, सेक्टर 16 के सामने है गोल्फ कोर्स, बहुत जल्द इसका अफ्तिताह होने वाला है गोल्फ कोर्स, जैसे कि हमारे फेज़ 8 में। उसके बाद सेक्टर 16B में और डी में 500 गज़ के प्लॉट हैं, और डी में कुछ 1000 गज़ के। बाकी सी हो गया, सेक्टर 16A हो गया, इसमें 2000 गज़ के मेजॉरिटी प्लॉट थे, बड़े प्लॉट हैं। तो डेफिनेटली जिस जगह बड़े प्लॉट होते हैं वहाँ अपर क्लास कम्युनिटी आती है और उनके पास होल्डिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ लें फौरन सेल आउट कर दें, ऐसा नहीं होता, होल्ड रखते हैं अपनी चीज़ को। और मेजॉरिटी प्लॉट मैंने आपको बताया इसमें 500 गज़ के, 1000 गज़ के, 2000 गज़ के, मगर ज़्यादा प्लॉट इसमें 2000 गज़ के प्लॉट हैं। क्योंकि इस वक्त डी एच ए सिटी में अगर 2000 गज़ के प्लॉटों की बात करें, तो पहला सेक्टर आता है 11D, 10E बिल्कुल कॉर्नर पे आते हैं, लोग इतना लाइक नहीं करते। 11D हो गया, 15D हो गया, और 16A हो गया, D हो गया, या C हो गया। तो इसमें बड़े प्लॉट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए जिस एरिया में बड़े प्लॉट ज़्यादा होते हैं, लोग एक अपर क्लास आती है। जैसे मैंने पहले कहा, 500 गज़ के प्लॉट की अगर यहाँ बात करें, तो 500 गज़ के प्लॉट का रेट है तकरीबन आज की डेट में 1.15, 1.10, 1.15, 1.10, 1.15, इस सराउंडिंग में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अच्छे प्लॉट से मुराद ये है कि कमर्शियल फेसिंग ना हो, तो ये प्लॉट आपको इस रेंज में मिल जाता है। और अगर 1000 गज़ के प्लॉट की बात करें इधर, तो 245, 235 इस रेंज में आपको 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। और अगर 2000 गज़ के प्लॉट की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2000 गज़ का प्लॉट तकरीबन मेरे हिसाब से 4.25-4.5 में मिलना चाहिए, मगर ये थोड़ी सी डिमांड सप्लाई पे रहता है। क्योंकि अगर आज मुझे कहते हो साहब भाई अब 2000 गज़ का प्लॉट सेक्टर 16 में निकाल दे, तो मेरे लिए मुश्किल होगा निकालना। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ 425 में मिलेगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वही बता रहा हूँ कि 2000 गज़ का प्लॉट है, अगर जिस बंदे ने भी लिया होगा उसके बाद इतनी होल्डिंग पावर होगी कि मैं नहीं समझता कि 4-5 करोड़ रुपये के लिए उस प्लॉट को बेच कर, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। और पूरे डीएचए सिटी में आई थिंक 350-400-2000 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं अगर मैं दुरुस्त हूँ। तो आ जाते हैं कमर्शियल में। इसके कमर्शियल की बात की जाए, तो 200 गज़ का कमर्शियल यहाँ मिनिमम साइड पे आप अगर आज की डेट में बात करें, जैसे 3-4 दिन से मार्केट में थोड़ी तेज़ी है, तो 200 गज़ का कमर्शियल तकरीबन यहाँ पे रेट होना चाहिए 265-270 C3 का, कम्युनिटी सेंटर C3। अच्छा, कमर्शियल में 3 कैटेगरियाँ बनी, मैं थोड़ा बता दूँ आपको, C3, C4 और C5। अच्छा, C3 में गिने चुने 4-5 प्लॉट होंगे, C4 में थोड़े ज़्यादा होंगे, एक आध स्कूल का प्लॉट भी होगा, बड़ा इम्यूनिटी प्लॉट भी होगा, और C5 जो होगा वो पूरे सेक्टर के मिड में होगा, यानी 16 सेक्टर है उसके सेंटर में C5 है, और उसमें 40-50 प्लॉट होंगे, बड़े छोटे प्लॉट होंगे। तो C5 का आप 3.5-3.5 तक रेट देख सकते हैं। इसी तरह 300 गज़ के प्लॉट की बात करें, तो समझे 300 गज़ का 3.5 से
स्टार्ट होता है और 3:30 में भी आपको नहीं मिलेगा, बेसिकली आप 4:45 कह सकते हैं इससे स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा लोकेशन के हिसाब से। तो ये इस सेक्टर की खासियत थी, मेरी पूरी रिकमेंडेशन है इस सेक्टर में आप बाइंग कर सकते हैं। राइट नाउ इस वक्त ऑन ग्राउंड इस सेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, बाकी सेक्टरों की डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ अंडर प्रोसेस है, इसकी जस्ट स्टार्ट हुई है सेक्टर 16 की। इसके अलावा भी एक सेक्टर है उसकी भी जस्ट स्टार्ट हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो रेट्स मैंने आपको बता दिए, इसके बारे में कोई भी आपको सेल परचेस करनी हो, कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी हो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मजीद वीडियोज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।